और जहां तक उर्दू मीडिया, उर्दू प्रेस, उर्दू जानने वालों का किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, डेवलप्ड सिटी में राउडिज्म का कोई प्लेस नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। अगर आप राउडीज के हाथ से किया हुआ क्राइम देखिए तो बहुत कम हुआ है उसमें, वो हम लोग जो, लेकिन अगर चचेरे भाई ममेरे भाई में मर्डर हो गया प्रॉपर्टी को लेकर, उसको रोकना मुश्किल है। सवाल को अगर मैं सही समझा तो आप बताइएगा, अगर मैं उसको सही नहीं समझा तो आप करेक्ट कीजिए मुझे। देखिए ये थर्ड या फोर्थ सबसे बड़ा शहर है और जहां तक उर्दू मीडिया, उर्दू प्रेस, उर्दू जानने वालों का सवाल है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का ये नंबर वन शहर है। हमारे भाई लखनऊ में रहते हैं, हमारे बहुत रिलेटिव नॉर्थ इंडिया के बहुत से शहर में रहते हैं, लेकिन जितनी अखबार, जितने नंबर ऑफ न्यूज़पेपर उर्दू में हैदराबाद में निकलता है शायद कहीं नहीं हिंदुस्तान में। और इसीलिए मैंने सोचा कि उर्दू प्रेस से ये साल जब आप ख़त्म होने को है तो थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी बातचीत हो, और आज जो बातचीत हुआ उसमें बहुत से पॉइंट्स आए, अहम बातें आई, बहुत इम्पॉर्टेंट बात सब आई, जिसमें नए साल पर 2022 पे जो हमारा एक एक्शन प्लान बनेगा, जो हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग किस रास्ते पे आगे चलें, किस चीज़ों को पहले से ज़्यादा अहमियत दें, उसमें ये गुफ्तगू बहुत काम आएगा हमारे लिए एक तरह से गाइडेंस। और मैं तमाम सभी रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डेमोक्रेसी में प्रेस का रोल, इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। पुलिस डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग में हमारी जो ब्रीफिंग होती है डेली, उसमें प्रेस की, मीडिया की रिपोर्टिंग, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और देश में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, इसकी अहमियत पहले से ज़्यादा होती जाएगी। इसीलिए आज हैदराबाद तमाम सिटी पुलिस के सभी 16,000 ऑफिसर्स के तरफ से मैं अपने उर्दू मीडिया, उर्दू प्रेस के भाइयों और बहनों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और नए साल, आने वाले नए साल के लिए अपनी शुभकामनाएं, अपनी गुड विशेस, मुबारकबाद पेश करता हूँ।